मुझे जल्द से जल्द इस जहर को बाहर निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस बरगद के पेड़ को ढूंढना है, छुपी शक्ति तक पहुंचना है, तिमनासा को खत्म करना है। देवो भैया, आपके हाथ में ये निशान कैसे? विवान, उस दिन बताया था ना, वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हाथ में निशान हो गया था, ज्यादा धूप में रहने की वजह से। तो बस उसी की वजह से, डॉक्टर ने दवाई लिख के दिया है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा वो। देवो भैया, आपका ये हाइपर पिगमेंटेशन वाला एक्सक्यूज ना मम्मी के सामने चल जाएगा, मेरे सामने नहीं। मुझे तो ये निशान स्नेक बाइट जैसा दिख रहा है। हाँ विवान, एक्चुअली ये स्नेक बाइट ही है। क्या? तो फिर आपने उस दिन झूठ क्यों बोला? अरे अगर मैं सच बोलता तो माँ के सर पे ही पॉइजन चढ़ जाता, वो परेशान ना हो इसलिए मैंने सच छुपाया। लेकिन भैया, आप स्नेक बाइट को मजाक पे कैसे ले सकते? चलिए डॉक्टर। नहीं 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 विवान, देखो दुनिया में 3000 टाइप के सांप होते हैं, जिनमें से सिर्फ 15% में जहर होता है, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे जिस सांप ने काटा है ना, उसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं था। मैंने डॉक्टर को बता दिया है, उन्होंने मुझे दवाई भी लिख कर दी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। देवो भैया, इससे पहले कि विवान और कोई सवाल पूछे, मुझे वो बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। लेकिन मैं भारत तगर के सारे पेड़ देख चुका, अभी तक वो पेड़ नहीं मिला जो मुझे सुपर शक्ति तक पहुंचा सके। अरे मिश्रा जी, चिंटू चिंटी। अरे लास्ट साइड की देखो भैया। हाँ पर मिश्रा जी, चिंटू चिंटी, ग्लव्स और मास्क क्यों पहने हैं? वायरस तो खत्म हो गया ना, जरूरत क्या है सब की? बेटा देबू, वायरस कोई अपना दोस्त थोड़ी ना है, उसका क्या भरोसा, कल कहीं फिर लौट आया तो। इसलिए हमारी पूरी फैमिली सेफ्टी फर्स्ट के रूट पे चल रही है। अब हम इसी तरह से घर के बाहर निकलेंगे, 2 फीट की दूरी बना के रखिए हमसे। ओके। ये सब क्या नाटक लगा रखा है मिश्रा जी हैं? मिसेस दिवाली छेड़ा जी, इसे नाटक नहीं, इसे सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी? वाह, सोसाइटी में सबसे ज्यादा कचरा तो आप ही लोग फैलाते हो, काहे की सेफ्टी है? और अब ये मास खेल रहे हैं। कचरा फैलाने वाली मिश्रा फैमिली को भूल जाइए दिवाली जी, ये तो नई मिश्रा फैमिली है, ये हरे भरे पेड़ भी लगाएगी और तो और उसकी ताजी ताजी हवा भी खाएगी। वाह बहुत सरस, अगर ये अक्ल आपको 10 साल पहले आई होती ना, तो अपना घर बनवाने के लिए बरगद का पेड़ नहीं काटा होता आपने। ये इतना सुंदर घर देख रही दिवाली जी, ये पेड़ नहीं काटते तो इतना सुंदर घर क्या पेड़ के ऊपर बनाते? क्या आप भी इन बातों को लेकर के अपना बीपी हाई कर रही हैं दिवाली जी? ओ मिश्रा जी, मेरा बीपी हाई नहीं होता है, वो मैं रोज सुबह योगा करती हूँ ना, इसीलिए। योगा? बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है, मतलब अगर उसे काट दिया गया है तो उसकी जड़ें अभी भी वही होगी, यानी चिंटू चिंटी के घर के नीचे की जमीन के अंदर मुझे सुपर शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा मिलेगा। ये लो इंटरसेप्टर की बोतल, और फटाफट डोर बल पे स्प्रे करो, ताकि कोई भी कीटाणु नहीं बचना चाहिए तुम्हारे हाथों के। वैसे आप कौन भैया? केम छो मिश्रा भाई? मारू नाम सौरभ भाई देसाई छे। नमस्ते नमस्ते, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ? फिर तो एंटीसेप्टिक थोड़ा अपने ऊपर भी उड़ेल लो, क्योंकि कीटाणु से ज्यादा खतरनाक तो तुम लोग होते हुए ना, देख के उड़ेलो उड़ेलो। और वैसे भी हमें कुछ भी दान नहीं करना भैया। अरे अरे ना ना मिश्रा भाई, चिंता ना करो, हूँ तुम्हारा थी कहीं लेवा नहीं, तुमने आपवा माटे आव्यो छु। है? मतलब आप लोगों से कुछ लेने नहीं, आपको देने आया हूँ, ये पण एकदम मफत मा। है? फ्री 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 तो मेरा फेवरेट वर्ड है। वैसे अंकल आप देने क्या आए हो, वो भी फ्री में?
मैं फ्री में ये पिक्चर की चार चार टिकट और डिनर की चार चार वाउचर। डिनर? डिनर तो मेरा फेवरेट वर्ड है। चार वाउचर में चार बार खाना खा सकती हूँ। लाइए ये वाउचर मुझे दीजिए। चिंटी मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ ना, इसलिए वाउचर मुझे मिलने चाहिए। बढ़िया है, पहले पैदा होने वाले, ये वाउचर मुझे मिलने चाहिए। ए, ना 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 ना, ये ना चले। ये वाउचर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब परिवार के चारों लोग एक साथ जाएंगे, वरना टेंगा मिलेगा। अरे हम टेंगे का क्या करेंगे, हमारे पास तो पहले से ही दो दो टेंगे हैं। तो बची हम जाएंगे ना, सब साथ में जाएंगे। सुपरिवार से वाह, मजा आएगी। तो ये शाम के 6 बजे का शो है, उसके बाद डिनर। ये लो बेटा, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जाओ बेटा जाओ। अब 3-4 घंटे तक इनका घर खाली रहेगा, इतने टाइम में मैं पता लगा लूंगा उस बरगद के पेड़ के बारे में। मुझे इस जमीन के अंदर चेक करना चाहिए। परिवार को तो मैंने बाहर भेज दिया, तो फिर ये घर में कौन है? अनन्या तुम, अरे तुम तो पुणे गई थी ना। डब्बू, मेरा पैर। क्या हुआ अनन्या, क्या हुआ? मेरा पैर। पैर? अरे मेरा पैर। अनन्या, अनन्या, अरे अरे अनन्या, अनन्या इस नागिनी का जहर तो मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। देवू भैया। हाँ हाँ विवान। देवू भैया आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? ऑल गुड ना? हाँ अरे ये तो ठीक ही है ना, मैंने बोला था दवाई ले ली है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम गर्ल की वजह से हुई। प्रॉब्लम गर्ल कौन? अनन्या और कौन? क्या क्या हुआ नन्हे दीदी को? वो क्या हुआ, वो दरअसल गलती से टकरा गई और इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। क्या टकरा गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। किससे टक्कर हुई, बस से? अरे नहीं। तो किसी कार से? नहीं नहीं। तो किसी ऑटो रिक्शा? अरे नहीं। साइकिल? नहीं नहीं। तो क्या हवा से टकरा गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई दीदी? नहीं। तो वो मुझसे टकरा गई। क्या क्या आपको इलेक्ट्रिकल पोल हो गया जो आपसे टकरा गई, और उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया और वो बेहोश हो गई, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? नहीं 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 नहीं, मैंने उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया भाई। तो? मैं तो बस उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ, वो गलती से मुझसे टकरा गई थी इसलिए लाना पड़ा। लेकिन आप दोनों की टक्कर हुई कहाँ? वो
वो दरअसल वो डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। नमस्ते मिस्टर देबू, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले गुड न्यूज तो बैड न्यूज बताइए। तो गुड न्यूज बताइए। गुड न्यूज ये है कि पेशेंट को थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अगर आप लोग चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं। और बैड न्यूज, अनन्या के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है जिसे ठीक होने में 3 या 4 वीक का समय लगेगा और इसलिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ओके, क्या मुझे मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। थैंक यू। अनन्या दीदी, विवान, अब आप कैसी हैं? फैंटाबुलस, बस अभी थोड़ी देर में मुंबई मैराथन में दौड़ने जा रही हूँ। दीदी आप बहुत ही ब्रेव गर्ल है, अपनी पेन को किसी पेन किलर के पीछे नहीं बल्कि अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही है। ग्रेट, थैंक्स विवान। हाँ, लेकिन आई एम श्योर कि अनन्या जल्दी ठीक होकर एक मैराथन में दौड़ेगी भी और उसे जीतेगी। टब्बू, तुम क्या क्या कर रहे हो? मैं ही तो लेकर आया। जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। अरे 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 अनन्या दीदी, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। देवू भैया इतना आपको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं? तुम्हारे देवू भैया की वजह से ही तो मेरी टांग टूटी है। अरे टूटी थोड़ी ना है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, डोंट स्ट्रेस अप। स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस ना लूं? मैं स्ट्रेस ना लूं? अरे नहीं नहीं। अरे अरे अनन्या दीदी नहीं। अरे सुनो तो, स्ट्रेस तुम्हारी वजह से ही तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पूछो इससे क्या करने गया था चिंटू चिंटी के घर। अरे अरे आई कैन एक्सप्लेन बट एक्सप्लेन? हाँ एक्सप्लेन, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से मेरा टूटा हुआ पैर सही हो जाएगा? अरे टूटा नहीं है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, डोंट वरी अनु। अनु? अनु? हाउ डेयर यू कॉल मी अनु? अरे डर नहीं, डर नहीं, डर से अनु मतलब अनन्या, सॉरी गलती से बोल दिया, अभी नहीं होगा आगे से, सॉरी। अच्छा गलती से। अरे अनन्या दीदी प्लीज रुकिए, ये अनन्या दीदी मैं पूछता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन भैया, आप चंटू चंटी की खाली घर में क्या करने गए थे? अरे विवान देखो, हम उनके पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए कि नहीं? वो विंडो खुली थी उनके घर की तो मुझे लगा कोई चोर है, इसलिए मैं उनके घर में चेक करने के लिए गया, लेकिन फिर वहाँ पे कोई मुझे दिखा तो मैंने उसे पटक दिया, मुझे लगा चोर है लेकिन वो अनन्या थी। अब गलती से हो गया तो जानबूझ के तो नहीं किया ना, सॉरी मैडम जी, सॉरी। सॉरी सॉरी के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे 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 अनन्या दीदी, अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना, आप बैठे रहिए, ये लीजिए पानी पीजिए, आराम कीजिए। ये इसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बहुत गर्म हो रही है। क्या मतलब रूम बहुत गर्म हो रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ। रखो नीचे रखो। हाँ ऊपर रखो। अरे अभी बोला नीचे रखो, ऊपर रखो। अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब हम घर चल सकते हैं। चल सकते हैं? मेरा मतलब कि जा सकते हैं, चल कर ले जाएंगे, टैक्सी में बैठ कर जाएंगे। हाँ और अनन्या देखो, मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, मैं पश्चाताप करूंगा, आज से मैं ही तुम्हारी टेक केयर करूंगा, तुम्हारी मम्मी की तरह पक्का। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे माता रानी। विवान तुम ही मुझे घर ले जाओ। अनन्या दीदी मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको भारत नगर देवू भैया लेकर जाएंगे ना, वो मुझे एक इम्पोर्टेंट जॉब पर जाना है इसलिए। जॉब? तुम कौन सी जॉब करते हो विवान? अनन्या दीदी मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरा जॉब है इस दुनिया को टम्मी आंटी नाम की बीमारी से बचाना। अभी मेघा जी आएंगी और मैं ये रस्सी खींचूंगा और गुलाब की पगड़ियां उनके नाजुक चेहरे पर गिर जाएंगी। गिर पड़े अंकल? जब पुलिस स्टेशन नहीं गए गोपू,
मेरा आज सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। लेकिन तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम आ रही है, पढ़ना नहीं है क्या? ये सुती अभ्यास नहीं कर सका, ज्यादा अभ्यास कर जा। खुद तो टाइम पास कर रहे हो और हमें पढ़ाई करने को बोल रहे हो। गोपू ये टाइम पास नहीं है बेटा, सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। अरे कोई हमारी मदद कीजिए। अरे वीर बड़े भैया जी, हेल्प, मदद, सहायता, मदद कीजिए हमारी। अरे कामिनी जी आप मदद के लिए 100 डायल कीजिए ना। जब 100% पुलिस वाले हमारे सामने खड़े हैं तो हम 100 नंबर पे काहे फोन करें? अब हमारी कंप्लेन लिखिए। वो ना मामा जी सीक्रेट मिशन पे है। सीक्रेट मिशन? हाँ सीक्रेट मिशन। थैंक यू जल्दी। अरे लेकिन उन चोरों ने दिन दहाड़े हमें लूट के जो अपना मिशन पूरा किया है उसका क्या बताएं? हमारे 4 तोले की चेन और 6 तोले का मंगलसूत्र दिन दहाड़े से झपट कर लेके गए। देखिए गिर पड़े भैया जी, आप अभी के अभी हमारी कंप्लेन लिखिए। कामिनी जी आप समझती क्यों नहीं, मैं तो आपकी कंप्लेन लिख लूंगा, मेरी दिल की कंप्लेन कौन लिखेगा? मेघा जी आ रही है। कामिनी जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गोपो सुतली इधर, इधर जल्दी। चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए। गुलाब की पंखड़ियों के बजाय गोभी के फूल कहां से आ गए? कानून जी। क्या है ये सब? साइड बिजनेस शुरू कर दिया आपने सब्जियां बेचने का? नहीं नहीं मेघा जी, साइड बिजनेस क्यों, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर शांताराम गिर पड़े मैं। तो फिर क्या है, क्या ये सब, ये फूल गोभी और ये क्या? हाँ मेघा जी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये टोकरे में ये कहाँ से आ गया? कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे ना? ये नहीं मतलब बदमाश गोपू, ये गोपू। भैया जी, जी जी जी, पहले जिन चोरों ने हमारे गहने चुराए हैं उन्हें पकड़ कर लाइए, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दीजिए हमें अभी के अभी। क्या कानून जी ये क्या सुन रही हूँ मैं, आपके होते हुए चोरों की इतनी हिम्मत कि जनता आपसे इस्तीफा मांग रही है? नहीं नहीं मेघा जी बात हिम्मत की नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं वो चोर मेरे से एक कदम आगे कैसे निकल जाता है। अरे ऐसे कैसे, अब मैं आपसे कदम से कदम मिला के चलूंगी, हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ेंगे। चलिए, अरे चलिए ढूंढते हैं चोरों को, आइए। देवू भैया अब थोड़ी देर अनन्या दीदी का ध्यान रखिए, मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आता हूं। नहीं विवान, दबू मेरे शहर को हाथ भी नहीं लगाएगा। ओहो हो हो, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे ये व्हीलचेयर नहीं सीएम की कुर्सी हो। हाँ ओ हेलो, हेलो, तुमसे किसने बात की? ठीक है बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, विवान तुम यहाँ पे रुको मैं दवाइयां लेकर आता हूँ। ला। नो वेज, मैं तो तुम्हारे हाथ से जूस भी ना पीऊँ, दवाई तो बहुत दूर की बात है। तो आप चाहती क्या है मिस पुणे रिजेक्ट? क्या बोला फिर से बोलना? मिस पुणे रिजेक्ट। यू? अरे आप ही ने तो कहा। अरे 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 टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट, साइलेंस, साइलेंस। कैसे आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? इनफैक्ट बच्चे भी इतनी छोटी बातों पर नहीं लड़ते। एक काम करते हैं, देवू भैया, अनन्या दीदी, आप लोग मेरा पार्किंग एरिया पे वेट कीजिए, मैं टैक्सी वहीं भिजवा दूंगा। और हाँ देवू भैया, अब अनन्या दीदी के चेयर को हाथ भी मत लगाना, वो खुद चला कर लेकर जाएंगे वहाँ तक, है ना दीदी? हाँ मैं खुद लेके जा सकती हूँ। और मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक, एक सेकंड में बात। हाँ ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। हाँ ड
डबू। अरे इतनी बेरहम कैसे हो सकती है आप? आपको थोड़ी भी दया नहीं आई? हमारी प्यारी नागिनी को उस नकाबपोश के साथ लड़ने के लिए भेज दिया आपने, वो भी अकेले? अरे आपको पता भी है मेरा दिल कितना चूर चूर हो रहा है नागिनी के लिए। पता नहीं बेचारी कैसी होगी, किस हाल में होगी। ओहो, इस छोटे से दिल में इतना सारा प्यार। नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी धीरे धीरे वो इंसानों वाली बीमारी लग गई हो जिसे प्यार कहते हैं? मतलब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ थोड़ा नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। बात क्या है तिमनासा, इस नकाब पोश को मारने के लिए तुम इतनी बेचैन क्यों? अरे अब नागिनी के बिना क्या होली में मजा। मैं खुद जा रहा हूँ नागिनी को ढूंढकर उसके साथ होली खेलने। रुको। अब क्या हो गया महारानी? ये होली कब है? अब होली कल है। सुना है होली में दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, तो क्यों ना इस बार भारत नगर में खून की होली खेली जाए।